एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले में अब जहां कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है, तो ऐसे में भगवान का प्रतिदिन होने वाला श्रृंगार भी गर्म वस्त्रों का होने लगा है। मंदिरों में भगवान को शीतकालीन श्रृंगार किया जा रहा है। भक्तों की मनोकामना के अनुरूप, मनोभावों के अनुरूप भगवान का शीतकालीन श्रृंगार प्रत्येक मंदिर में किया गया है और इसका क्या महत्व है, इसको लेकर के मंदिर के पुजारियों ने हमें जानकारी दी। तो भगवान के इस रूप के आप भी दर्शन कीजिए। मेरी रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। जय माई की। आज माँ भगवती श्री जगत जननी माँ वन दुर्गा जी का शीतकालीन श्रृंगार किया गया। हम भक्तों का यह भाव होता है, जिस प्रकार हमें शीतकालीन समय आने पर ठंडी लगती है और हम गर्म वस्त्रों को धारण करते हैं अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए, उसी प्रकार हमारा भाव है कि माँ भगवती को भी, हमारे देवी देवताओं को भी शीतकालीन समय में ठंड लगती होगी। इसलिए आज हम भक्तों ने मिलकर के माँ भगवती का शीतकालीन श्रृंगार किया, उन्हें गर्म वस्त्र धारण कराए। जय माता जी। ये देखिए, शास्त्र में तो कह रहा सब नहीं है, लेकिन भगवान जो है वो बहुत नाजुक है और हम जहाँ तक देखते हैं कि हम लोगों को भी ठंड लगनी प्रारंभ हो चुकी है, तो हमारे भगवान जो है वो हमसे भी नाजुक हैं। अगर उनको फूल भी फेंक के अगर अपन मारा जाए तो भगवान को खून निकल सकता है, अगर अपने अंदर भाव है तो, भाव के द्वारा। तो जब वही हमारे अंदर जो भाव होते हैं कि हमारे, चलो भैया ठंड प्रारंभ हो चुकी है, भगवान शीतकालीन समय जो प्रारंभ है, तो भगवान को हमें गर्म वस्त्र धारण कराना चाहिए। जिस प्रकार हम हर त्योहारों पे अपने अपने अनुसार अपने वस्त्र बदलते रहते हैं कि हमें नए चाहिए, हमें फलाने हैं, तो उसी प्रकार से हमारे जो भगवान हैं उनको भी हमें शीत वस्त्र के समय गर्म वस्त्र प्रदान मतलब पहनाना चाहिए। कोई विशेष भोग और आरती होती क्या शीतकाल में? शीतकाल में तो नहीं है, वैसे तो उनका भगवान का, जैसे अपने यहाँ राम दरबार है, हनुमान जी का मंदिर है, तो हर शनिवार और मंगलवार को विशेष होता है और सुंदरकांड होता है।